बिहार में अभी चुनावों की तारीखों को ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच अभी से घमासान शुरू हो गया है। प्रखंड के बड़ा हसनपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में जा रहे बख्तियारपुर के बीजेपी विधायक रणविजय सिंह के समर्थकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच गाड़ी में टक्कर मारने को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक शुरू हो गई। अपने कार्यकर्ताओं से मारपीट की सूचना पर आरजेडी के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर दोनों दलों के लोगों में टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि मामला बढ़ने से पहले बीजेपी विधायक बैठक के लिए निकल गए। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गई और लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। मामले में बीजेपी कार्यकर्ता जलंधर कुमार ने संजीत यादव, मुकेश यादव और ज्वाला यादव पर मारपीट करने, सोने की चेन छीनने को लेकर नामजद FIR दर्ज कराई है। दोनों दलों के समर्थकों में तनाव व्याप्त है। हमारी सप्तऋषि कमेटी के बारे में बता रहा था, आज है अभी अलावलपुर से करके लुधी पहुँचे और उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से हमारा मोसिनपुर पंचायत के हसनपुर में कार्यक्रम था। हम आगे चले आए तो पीछे मेरा पता चला कि पीछे जो है आरजेडी के गुंडा संजीत यादव, ज्वाला है, जो मुकेश है, ये लोग मेरे गाड़ी में धक्का मार दिया। मेरे कार्यकर्ता जो है हमारे थे कुंवर विजय पासवान जी, उसके गाड़ी में काट मार दिया। फिर हम लोग पता चला तो हम लोग फिर यहाँ मीटिंग में भाषण दे रहे थे, फिर हम लोग गए तो देखे कि मेरा आदमी जलंधर को पिस्तौल के बाट से मारे हुए था, रामानंद जी को कुर्ता फाड़ दिया था। आपके साथ भी कुछ बर्तन की हमारा गाड़ी आगे चला, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी अपशब्द व्यवहार किया और उनका कहना है कि यादव के गांव में घुसने नहीं देंगे, ये तो गुंडे हैं। राजनीति में ऐसे चुनाव थोड़े होता है कि यादव के गांव में नहीं घुसने देंगे। यादव में हमारा सब जगह कार्यकर्ता है, अभी इसमें देखिए तो हमारा 50% यादव कार्यकर्ता बैठे हुए मेरे साथ। कुंवर विजय पासवान हमारे संगठन के कार्य समिति के सदस्य थे, इनके गाड़ी में हमारा ये आज जो है बड़े पदाधिकारी रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति भी हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं, अनुसूचित जाति के महामंत्री भी प्रदेश में रहे हैं। इनके गाड़ी में धक्का मारना, उसके बाद तो क्या आप धरने पर बैठे हुए? हम धरना पर नहीं बैठे हुए थे। क्या रणनीति है इस प्रकरण को लेकर, क्या रणनीति? अभी मैंने थाना प्रभारी को बुलाया कि इस पर कार्रवाई करिए और इन लोगों के ऊपर हमने लिखी कि आप हमारे लोग दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इतने कहते हुए आज हसनपुर हम लोग आ रहे थे, हमारे साथ कई गाड़ियां चल रही थी। मेरी गाड़ी में अजीत जी, जालंधर जी और रामानंद राय जी, ये तीनों बैठे थे। हमारी गाड़ी में अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे से गाड़ी रुकी हुई गाड़ी में इतना जोरदार धक्का मारा, ऐसा लगा कि जान ले लेगा। जब हमारे लोग नीचे उतर के जब उनको मना किया कि भाई ऐसा क्यों चलते हो, जब मेरे बोर्ड पर नजर पड़ा तो जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगा। ठीक है, इस पर इन लोगों ने, रामानंद जी, अजीत जी, इन लोगों ने मना किया कि भाई ऐसे जालंधर जी कि ऐसा क्यों बोल रहे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। तो इन लोगों ने पिस्तौल निकाल के इन पर हमला कर दिया। ये देखे जालंधर जी का फटा हुआ, इनका चैन छूट छीन लिया। मैंने मामला बहुत इतना बढ़ गया कि अंततः मैं जो है अगल बगल के लोगों को बुलाया और आने के बाद हमने ही खुद हाथ जोड़कर मना किया, समझाया कि भाई ये बात नहीं होनी। ऐसे में आरजेडी का कहना है कि अगर आरजेडी के किसी भी नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो आंदोलन करेंगे।